नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। राजस्थान कैडर के ब्यूरोक्रेट देश के प्रधानमंत्री की पहली पसंद बन गए हैं। हाल ही उन्होंने राजस्थान की एक नई आईपीएस ऑफिसर प्रीति जैन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में यह पहला मौका है जब किसी आईपीएस को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग मिली हो। आमतौर पर आईपीएस अफसर को सीबीआई, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पुलिस या अर्ध सेना बलों में पोस्टिंग मिलती है, वित्त मंत्रालय में नहीं लगाया जाता। लेकिन पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईपीएस प्रीति को अर्थशास्त्र में विशेष योग्यता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। प्रीति जैन वर्ष 2009 बैच की आईपीएस अफसर है और उनके पास अर्थशास्त्र में एमफिल की डिग्री है। प्रीति की आईपीएस में टॉप 10 रैंक थी, इसलिए मूलतः राजस्थान श्रीगंगानगर की होने के बावजूद उन्हें राजस्थान कैडर मिला। वे टोंके, हनुमानगढ़ व दौसा जिले के पुलिस अधीक्षक भी रह चुकी हैं। वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय के स्तर पर प्रीति का इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर लगाया गया है। अब वे सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करेंगी। मोदी जब मई 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने वित्त मंत्रालय को मजबूत करने और बैंकों में भारत के प्रत्येक नागरिक लगभग 100 करोड़ लोगों का बैंक खाता खुलवाने पर जोर दिया था। मोदी ने तब भारत की इकोनॉमी को विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल करने का लक्ष्य तय किया था। तब उन्होंने पूरे देश से बेस्ट आईएएस अफसरों को वित्त मंत्रालय में लगाया। उनमें 3 अफसर राजस्थान कैडर के थे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।